तो राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर कोर्ट ने यहां पर जो है उनको दोषी करार दिया है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। कोर्ट ने यहां पर 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई है। तो एक बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर यहां पर गुजरात में एक जो मोदी सरनेम को लेकर उनकी टिप्पणी थी उस मामले को लेकर कोर्ट ने यहां पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट ने इस मामले में उनको दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा का कोर्ट ने जो है वो यहां पर उनको सुनाई है इस मामले को लेकर। तो ये जो मामला है ये भी आप देख लीजिए, 4 साल पुराना करीब ये मामला है 2019 का, जब राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर शिकायत जो है वो की गई थी बीजेपी नेता की तरफ से। और अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए राहुल गांधी को दोषी जो है यहां पर डेफेमेशन का पाया और अब 2 साल की सजा कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को सुनाई गई है। कर्नाटक में जो है एक रैली को संबोधित वो कर रहे थे 2019 में, जब उन्होंने जो कुछ लोग जो देश छोड़कर चले गए हैं उनको लेकर टिप्पणी करते हुए मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी जो है उन्होंने की थी और इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक पुणेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था और अब कोर्ट की तरफ से इस मामले में उनको दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। हालांकि उस वक्त भी इस मामले को लेकर काफ़ी जो है वो ये बड़ा मामला बना था और सियासी जो है प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आई थी और एक बड़ा मुद्दा ये तब बना था और अब कोर्ट ये मामला गया और यहां पर कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा राहुल गांधी को इस मामले में सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2021 में भी कोर्ट में जो है पेश हुए थे राहुल गांधी, अपना बयान उन्होंने दर्ज कराया था इस मामले को लेकर और यहाँ पर एक तरह से आपत्ति जताते हुए इस बयान को लेकर उनके एक पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश भी इसको जो है बताया गया था तब और अब कोर्ट में जो है मामला गया। कोर्ट ने यहाँ पर सुनवाई के बाद इस मामले में जो है अपना फैसला दिया है और 2 साल की सजा राहुल गांधी को यहाँ पर इस मामले में कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। तो आपको बता दें आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने यहाँ पर दोषी करार दिया है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या टिप्पणियां वहां पर की गई। आशीष, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो आज बताइए कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कुछ हुआ, 2 साल की सजा जो है वो राहुल गांधी को यहां पर अब सुना दी गई है। जी देखिए, ये ऑर्डर रिजर्व था, आज फैसला आ गया है। मोदी सरनेम को लेकर ये क्रिमिनल डिफेमेशन एक विधायक ने फाइल किया था और उस पर सुनवाई के बाद जो सूरत की कोर्ट थी उसने दोषी करार दिया था क्रिमिनल डिफेमेशन का, यानी आपराधिक मानहानि का, और 2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा अभी फिलहाल उनको जमानत हो गई है क्योंकि 3 साल से कम की सजा में अदालतें जमानत देती हैं ताकि बड़ी कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में वो अपील कर सकें। तो फिलहाल उनको ये राहत है कि वो बड़ी कोर्ट में जाकर 1 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पर होगी। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि राहुल गांधी कन्विक्ट हो गए हैं पूरे मामले में। ये मांगो क्या, मैं हाईकोर्ट में वकील हूँ, कांग्रेस का लीडर भी हूँ। सर, आज कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या सजा हुई और फिर आगे आप लोगों की क्या? कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उसे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो जो राहुल जी के और से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हमको एक कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद
कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सस्पेंड सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपको? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन किन आईपीसी के तहत की सजा सुनाई गई है? 499 और 500। तो आप वकील को सुन रहे थे इस वक्त वहां पर सूरत कोर्ट में क्या आदेश हुआ है वो ये बता रहे थे और कांग्रेस की तरफ से अपीयर हो रहे थे। उन्होंने बताया कि वो सदस्य भी हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि सूरत कोर्ट ने डिफेमेशन मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी पाया है। आपराधिक मानहानि का मामला है, इसमें 2 साल तक की सजा और फाइन दोनों का प्रावधान है। सीधा रुख करते हैं हम मनोरंजन भारती का, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोरंजन, सिर्फ ये कानूनी मसला नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मसला भी हो सकता है अगर 2 साल की सजा है और सदस्यता चली जाती है। निश्चित रूप से ये राजनीतिक मसला ही है, कानूनी मसला जो है वो आप अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन कानूनी लड़ाई से ज्यादा ये एक राजनीतिक लड़ाई है क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस ढंग की राजनीतिक लड़ाई अभी चल रही है, संसद में हो, संसद के बाहर हो या जिस किसी प्लेटफॉर्म पे हो, राहुल गांधी जिस ढंग से बोलते हैं और उसके बाद उससे जो प्रतिक्रिया होती है ये विशुद्ध राजनीतिक विषय है आप कह सकते हैं और इस पर कांग्रेस को राजनीतिक रूप पर अदालत में कानूनी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, राजनीतिक लड़ाई भी जमीन पर संसद में संसद के बाहर भी लड़नी पड़ेगी। यही वजह है कि आप देखें कि ये जैसे ही ये मामला आया और ये हुआ कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है और उसके बाद से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। संसद का यदि की बात करूं मैं तो संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे हैं, डेडलॉक बना हुआ है, सरकार और विपक्ष के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। सरकार ने बीजेपी ने अपने व्हिप इशू किए हैं क्योंकि सरकार को बजट पास कराना है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच और दूरियां बढ़ाएगा और उनके बीच जो है राजनीतिक लड़ाई और तेज होने वाली है संसद और संसद के बाहर।